दोस्तों आईफोन 16 सीरीज की लीक निकल के आ गई है एंड इस बार भी लॉन्च होगा सितंबर में ही हमारा प्यारा आईफोन। तो कुछ कह रहा है कि ये बेस्ट आईफोन एवर होने वाला है, बट कुछ कह रहा है कि ये वर्स्ट आईफोन एवर होने वाला है। लेकिन तू क्या कहता है? बात रही मेरी, मैं क्या कहता हूँ तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले आईफोन 16 सीरीज से जुड़े कुछ लीक्स की बात कर ले तो इस बार भी आईफोन 16 सीरीज में हमें चार फोन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि है आईफोन 16, आईफोन 16 प्लस, आईफोन 16 प्रो एंड आईफोन 16 प्रो मैक्स। तो कुछ लीक्स की माने तो इन सारे आईफोन्स में हमें देखने को मिलने वाला है एक्शन बटन, जो कि हमें पहले प्रो फोन्स में ही देखने को मिलता था, लेकिन अब इन चारों फोन्स में हमें एक्शन बटन देखने को मिलेगा। एंड कुछ लीक्स की माने तो इस बार हमें आईफोन में मिलने वाला है कैप्चर बटन, जो कि काफ़ी एक्साइटिंग हो सकता है। एंड ये फ़ोन में हमें वीडियोज़ एंड फोटोज़ को क्लिक करने में एंड रिकॉर्ड करने में हेल्प करेगा। एंड इस पे हम अपनी फिंगर को स्लाइड करके जूम इन एंड जूम आउट भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी एडवांस एंड काफ़ी एक्साइटिंग हो जाएगा। तो अगर ये फीचर रियलिटी में आता है आईफोन में तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा एंड ये इसे एक लेवरेज प्रोवाइड करेगा। भाई ये तो बता, डिज़ाइन वाली खबर सही है क्या? वेल सच बोलूँ तो हाँ, क्योंकि आईफोन 16 एंड 16 प्लस में हमें कुछ इस तरीके का लुक देखने को मिलेगा एंड आईफोन 16 प्रो एंड आईफोन 16 प्रो मैक्स में हमें कुछ इस तरीके का लुक देखने को मिल जाएगा। एंड ये लीक काफ़ी ज़्यादा मतलब वेरीफाइड मानी जा रही है, क्योंकि ये आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरफ से आ रही है ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन क्या फ़ायदा, ये तो पुराने आईफोन्स की तरह ही दिख रहा है। देख भाई, अब तेरे जैसे हवाबाजों के लिए तो ये अच्छा नहीं है, बट जिन्हें कैमरा से अच्छे वीडियोस बनाने हैं उनके लिए ये वर्टिकल कैमराज बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें देने का रीज़न यही है कि इनमें स्पेशल वीडियोस का फीचर इनेबल करना था एंड जिससे ये AR एंड VR के लिए भी वीडियोस को शूट कर पाएँ। तो ये वर्टिकल कैमराज की हेल्प से आसानी से एंड अच्छे से हो सकता है। अरे वो एप्पल इंटेलिजेंस वाला क्या मैटर है? अरे हाँ, तो इनमें हमें मिलने वाला है iOS 18, जिसमें हमें एप्पल इंटेलिजेंस 18, जो कि एप्पल OpenAI से कोलेबरेशन में बना रहा है, जो कि ChatGPT की पैरेंट कंपनी है। तो यार ये चीज़ मुझे थोड़ा सही नहीं लगी, क्योंकि एप्पल को खुद नहीं पता वो उसके यूज़र्स का डेटा क्या होगा, तो हमें कहाँ से पता चलेगा। एंड एलॉन मस्क ने तो साफ साफ कह दिया है कि अगर आईफोन 16 प्रो मैक्स में AI आता है, वो भी OpenAI से कोलेबरेशन में, तो वो अपनी कंपनी में आईफोन को बैन कर देंगे, मतलब उनका कोई एम्प्लॉई आईफोन लेकर उनकी कंपनी में इंटर नहीं कर सकता है। तो डेटा सेफ्टी एक हेडेक बन सकती है इस फोन में। लेकिन इस बार वाइब्रेनियम तो नहीं दे दिया आईफोन वालों ने अपने फोन में? अरे ना ना, आईफोन 16 एंड आईफोन 16 प्लस में हमें मेटल बॉडी देखने को मिलेगी, जिसमें हमें एल्युमिनियम देखने को मिलेगा एंड आईफोन 16 की जो प्रो सीरीज है उसमें हमें टाइटेनियम की बॉडी दी गई है। और भाई आईफोन की बैटरी की बात कहूँ तो मैं क्या ही कहूँ, पहले इतना मेरे मैथ की कैलकुलेशंस मुझे रटना नहीं पड़ता था जितना इसकी बैटरी रटनी पड़ती है। तो हर फ़ोन में बैटरी को बढ़ाया जाता है एंड आईफोन 16 सीरीज में एक फ़ोन ऐसा भी है जिसकी बैटरी को घटाया गया है। वाह, क्या किया आईफोन वालों। तो मतलब लिटरली आईफोन वालों ने इस फ़ोन की बैटरी को घटा दिया है। अरे भाई वो कौन सा फ़ोन है और iOS 18 में क्या क्या मिलेगा, जल्दी बता जल्दी बता। अरे ना ना, सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा क्या? तो हमारे चैनल पे आईफोन के हर एक फ़ोन की स्पेक्स एंड फीचर्स की डिटेल वीडियो जल्दी ही आने वाली है एंड iOS 18 के बारे में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए।